आज बैठक थी हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष साथियों की, साथ साथ प्रदेश के जो नेता हैं उनके साथ बैठक थी। उसमें तय किया गया है कि 11 अप्रैल को वेटरनरी कॉलेज के मैदान में महात्मा ज्योतिबा राव फूले जयंती समारोह का आयोजन करने का। महात्मा फूले साहब की जयंती पार्टी पहले भी मनाते रही है, कई बार हमने पार्टी के बैनर से और कई बार अलग जो सामाजिक संगठन है महात्मा फूले समता परिषद, उस बैनर से भी कार्यक्रम किया है। इस बार का कार्यक्रम पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और अखिल भारतीय महात्मा फूले समता परिषद दोनों के संयुक्त तत्वावधान में 11 अप्रैल को कार्यक्रम होगा, यह तय किया गया है। आप लोगों के लिए सूचना है, वेटनरी कॉलेज मैदान में 11 अप्रैल के कार्यक्रम की तैयारी के लिए विभिन्न जिलों में बैठक का भी कार्यक्रम तय किया गया है और उन बैठकों में राज्य से कोई ना कोई पदाधिकारी भाग लेंगे। वहां बैठक होगी और उस बैठक में तैयारी पर भी बात होगी, साथ ही साथ चुनाव की तैयारी जो पहले से चल रही है हमारी पार्टी की ओर से, उस पर भी समीक्षा जिला की बैठकों में साथी जो भी जाएंगे करेंगे। तो इस तरह से यह कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, अखिल भारतीय महात्मा फूले समता परिषद के साथ साथ और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, अलग अलग पार्टी है, एनडीए से अलग, हम सबको आमंत्रित करेंगे, यह भी फैसला हुआ है। और इस कार्यक्रम को व्यापक रूप से सब लोगों के साथ मिलकर हम मनाएंगे। यह आपके लिए सूचना थी। अभी जो चुनाव की तैयारी हमारी पार्टी की ओर से चल रही है, काफी संतोषजनक तैयारी है, मजबूती से हमारे साथी लगे हुए हैं, तैयारी में भी मजबूती से लगे हुए हैं और आगे भी मजबूती से लगे रहेंगे। एक कन्फ्यूजन जो किसी रूप में लोगों के बीच आ जाती है महागठबंधन के भविष्य को लेकर, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के मन में इस बात को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी महागठबंधन में है, महागठबंधन में रहेगा, महागठबंधन में रहकर मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन की सरकार भी इस बार बनेगी। इसलिए कहीं से कोई कन्फ्यूजन हमारी पार्टी के बारे में आप लोगों के मन में भी रहता है और लोगों के बीच भी सबके बारे में रहता है, सिर्फ हमारी पार्टी के बारे में नहीं रहता, सबके बारे में रहता है। लेकिन हम अपनी ओर से आज स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोई कन्फ्यूजन किसी को भी रखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी रूप में चुनाव की तैयारी में हैं, चुनाव भी लड़ेंगे, चुनाव भी जीतेंगे और एनडीए की सरकार जिसने 15 वर्षों में बिहार को एक तरह से बर्बाद कर दिया है, शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, नौजवानों के रोजगार का सवाल,
किसानों की समस्याएं अपनी जगह, तो इन तमाम मोर्चों पर नीतीश कुमार जी फेल रहे हैं। 15 साल बड़ा समय होता है नीतीश जी के पास। मैं मानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि उनके अंदर इस बात का कौशल था कि चाहते नीतीश जी तो उसका इस्तेमाल करके इन 15 वर्षों में बिहार को बहुत आगे ले जाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने बड़ा अवसर गंवा दिया है। आज बिहार के लोग एक तरह से अफसोस कर रहे हैं कि हमने बिहार को पटरी पर लाने के लिए नीतीश कुमार के ऊपर जिम्मेवारी दी, एक बार नहीं तीन तीन बार, तीन कार्यकाल, लेकिन इसमें नीतीश कुमार जी अब बिल्कुल फेल साबित हुए हैं। वैसी परिस्थिति में अब उनके ऊपर से आम जनता का भरोसा उठ गया है, लोग विकल्प की ओर आशा भरी निगाह से देख रहे हैं, और यह विकल्प और कोई नहीं, महागठबंधन विकल्प है। इसलिए इस बार महागठबंधन बहुत ही बढ़िया तरीके से चुनाव में जीत हासिल करेगा और एक अच्छी सरकार, सिर्फ बदलाव सरकार बदलने के लिए नहीं बल्कि आम जनता की जो समस्या है उन समस्याओं पर वास्तव में बदलाव दिखे, इस मकसद से सरकार बनेगी। तो यही आज आप लोगों के को इसी बात के लिए कष्ट दिया गया। बाकी आपका कोई सवाल हो तो क्या बता रहे हैं? बिहार सरकार देखिए, एक बड़ी विफलता छुपाने का अवसर मिल गया है कोरोना वायरस के नाम पर। इनको मालूम है कि स्थिति अगर थोड़ी भी बिगड़ती है तो संभालना इनके लिए मुश्किल है, तो इसलिए पहले ही से लोगों के बीच इस तरह की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं कोरोना वायरस के नाम पे। कोरोना वायरस भगवान न करे ऐसा हो, और होगा भी नहीं। इस मामले में मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूँ कि लोगों को ज़्यादा डराया जा रहा है, लेकिन इसमें एक बात है कि इससे बचने का उपाय सब लोगों को रखना चाहिए, और इस दृष्टि से ही प्रचार प्रसार होना चाहिए। बाकी सरकार के लिए एक फायदे की बात हो गई कि जो स्वास्थ्य की व्यवस्था इनकी है, कहीं कोई सरकारी अस्पताल में जब ब्लड प्रेशर नापने की मशीन नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है, तो फिर कोई अगर खराब स्थिति आती है तो सरकार नहीं निपट पाएगी। तो यही स्थिति है, लेकिन हम कामना करते हैं कि ऐसी स्थिति राज्य की जनता के सामने न आए। उपेंद्र जी, आप कहा जा रहा है विश्व भर में कोरोना से 5,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है, इसके बाद आप जैसे जिम्मेदार नेता का ये कहना? नहीं, हम नहीं कह रहे कि बिल्कुल डराया जा रहा है भैया, बिल्कुल डराया जा रहा है। देखिए, कोरोना वायरस से बचाव जरूरी है, निश्चित रूप से जरूरी है, लेकिन इस बीमारी से जितनी मौत हो रही है और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे ज्यादा मौत हो रही है, उसको कौन देखेगा? उसको देखने की जवाबदेही जिनकी है। इस बीमारी से जो अभी आंकड़ा आ रहा है, 1.5 से 2% जो बीमार लोग पड़ते हैं उसमें मौत होती है, 1.5 से 2%, लेकिन बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिससे ज़्यादा मौत हो रही है, उस पर तो कोई ध्यान नहीं है। ध्यान हो, निश्चित रूप से कोरोना वायरस पर ध्यान है, ठीक है, लेकिन एक ही यही बीमारी नहीं है, और बीमारी भी, कुपोषण से कितने बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, किस तरह से लोग मर रहे हैं, चमकी बुखार, अभी गर्मी का दिन आवेगा, पिछले 20 साल से चमकी बुखार से कितने बच्चों की मौत हो जाती है, 20 साल में जब कोई उपाय नहीं ढूंढ पाए तो हाय तवा मचाने से थोड़े उपाय हो जाएगा। सर, सीएबी और एनआरसी पे एक बार क्या विचार? अरे सर,
पप्पू यादव की पार्टी 17 तारीख अपन कर रहे हैं, उसमें आपको बुलाए हैं सर, क्या जाइएगा पप्पू यादव के पार्टी में? सवाल एक ऐसा कई पूछेगा तो हम कोई सुन ही नहीं पाएंगे। पप्पू यादव 17 तारीख को 18 तारीख को बिहार बंद कर रहे हैं, आरजेडी बुला रही है अपने कार्यक्रम में, कहीं ना कहीं वो आपसे जुड़े हुए हैं। बुला रही है जिसमें अब हमारा विषय कहाँ है? तो फिर कुशवाहा राजनीति आरजेडी अब अलग कर रही है, आप उनके साथ हैं महागठबंधन में। हर पार्टी को अपनी स्वतंत्रता है, यादव राजनीति हम करें तो कोई रोक देगा क्या हमको? इससे क्या मतलब है? अपनी राजनीति सब पार्टी करती है तो उसमें कहाँ इतराज है? नजदीकियां तो बढ़ रही है, ये आप नजदीकी तो है ही, आपके साथ भी नजदीकी हमारी है, उनके साथ भी है, सबके साथ नजदीकी है। विपक्ष में भी पलटवार किया है, पप्पू यादव सर, पप्पू यादव ने महागठबंधन बनाने की बात बोले आपके साथ, सीपीआई के साथ। भैया महागठबंधन तो एक है ही, 20 महागठबंधन थोड़े बने। महागठबंधन है कोई नया गठबंधन की बात कहाँ उठती है महागठबंधन की? पप्पू यादव ने कांग्रेस और आपका भी नाम लिया, अब उन्होंने क्या किसका नाम लिया उसका, उसके लिए हम जवाब दे नहीं है, लेकिन महागठबंधन है, महागठबंधन में हम हैं, मजबूती से महागठबंधन लड़ेगा, मजबूती से जीतेगा। नेता कौन होगा महागठबंधन का, सवाल इस पर खड़ा होता है ना? इस पर महागठबंधन बैठकर विचार कर लेगा। तेजस्वी को मुख्यमंत्री मानते हैं महागठबंधन? अरे महागठबंधन ने अभी तय नहीं किया है भैया, ये तो बार बार हम लोग बोले महागठबंधन ने मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार का, तो जनता भर कोई अभी जनता को जिस दिन वोट देना होगा उस दिन ऐसी स्थिति नहीं रहेगी ना। अभी तय नहीं हुआ है बिल्कुल, महागठबंधन ने अभी तय नहीं किया है। अरे भैया तो उनकी पार्टी का मामला है, देखिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या कोई भी महागठबंधन की पार्टी, कोई एक पार्टी की शर्त पर महागठबंधन नहीं चलेगा, महागठबंधन अपनी शर्तों पर चलेगा, किसी एक पार्टी की शर्त पर महागठबंधन नहीं चलेगा। अरे भैया महागठबंधन जो तय करेगा हम उसको मानेंगे, हम कह रहे हैं कि जब तक महागठबंधन तय नहीं करता है तब तक मेरा बोलना कुछ भी सार्वजनिक रूप से मुनासिब नहीं है, जहाँ तय होगा विचार विमर्श होगा वहाँ जरूर बोलेंगे। महाराष्ट्र के तरह कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या बिहार में भी लागू होगा अगर महागठबंधन आती है चुनकर? अब इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा इस सवाल के जवाब के लिए। भैया बिना कोऑर्डिनेशन कमेटी का कोई भी गठबंधन कैसे चलेगा? कोऑर्डिनेशन कमेटी तो बननी ही चाहिए, इसमें कहाँ कोई दौड़ा है, और वही कोऑर्डिनेशन कमेटी महागठबंधन का नेता भी तय करेगा।